गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने मतलब जो भी इंडिया में जो भी जनरल हुए हैं, गवर्नर जनरल हुए हैं, इनके बारे में पढ़ा है। तो यदि आप लोग हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये जो गवर्नर जनरल वाला चैप्टर है ये समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग का संपूर्ण इतिहास, ठीक है। तो देखिएगा इनके जो लॉर्ड हार्डिंग हैं, इसके काल में सबसे पहले मतलब जो इम्पोर्टेंट घटनाएं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हुआ था इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 तक चला था, ठीक है। और फिर होती है मतलब लाहौर की संधि और लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, ठीक है। और एक जो बहुत ही मतलब जो निंदनीय जो प्रथा थी वह थी नर बलि प्रथा। इस पे प्रतिबंध भी हार्डिंग के काल में ही लगाया गया था। तो हार्डिंग के सुधारों में मुख्य रूप से उत्पाद कर से बहुत से वस्तुओं को मुफ्त करना, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पे मतलब इंडिया में जो चीज़ें मतलब उत्पाद की जाती थी उन पे बहुत ज़्यादा कर लगता था। तो हार्डिंग के काल में इन उत्पाद कर से मतलब बहुत सी वस्तुओं को मुक्त कर दिया गया था। नमक पर वसूली जाने वाली कर की राशि को भी आधा कर दिया और साथ ही नरबलि एवं सती प्रथा के प्रचलन पर भी प्रतिबंध लगाया था हार्डिंग के काल में, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट कार्य जो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुए थे। लॉर्ड हार्डिंग्स का कार्यकाल जुलाई 1845 से जनवरी 1848 ईस्वी तक था। हार्डिंग्स के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य नरबलि प्रथा पर रोक लगाना था, क्योंकि इस समय भारत में नरबलि प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन था, जिसमें देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्यों की बलि दी जाती थी, ठीक है। तो नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और वो किसके काल में लगाया गया, लॉर्ड हार्डिंग के काल में लगाया गया, ठीक है। इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो देखिएगा सिखों और अंग्रेजों के मध्य जो पहली टक्कर है वह 18 दिसंबर 1845 के दिन फिरोजपुर के निकट मुदके नामक स्थान पर हुई थी। इसमें सिख सेना के जो मतलब जो सिख सेना के भी कई सैनिक थे और अंग्रेजों के भी कई सैनिक थे। अब क्या होता है कि सिख हैं, इनको पीछे हटना पड़ा और इन्होंने अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज हैं, उनकी जो सेना थी वो क्या थी, प्रशिक्षित सेना थी, ठीक है। अब क्या है कि 21 दिसंबर को फिरोज शाह नामक स्थान पर दूसरा युद्ध लड़ा गया। सिखों ने अंग्रेजों के आक्रमण को विफल बना दिया। उनके तोपखाने ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए थे और अंग्रेजों को अपनी पराजय का पूरा विश्वास हो गया। लेकिन होता क्या कि जो लाल सिंह नाम का कोई सरदार था, इसने सिख सेना को लाभ नहीं उठाने दिया और पीछे हटते हुए अंग्रेज सेना का पीछा करने के स्थान पर लाल सिंह सेना सहित युद्ध मैदान से वापस लौट जाता है। इस प्रकार जीता हुआ युद्ध पराजय में बदल गया। और इस संदर्भ में मेलिसन ने लिखा कि फिरोज शाह का युद्ध अंग्रेजों ने हारने के बाद जीता था, ठीक है। इस समय अंग्रेजों की स्थिति ठीक नहीं थी, उनका गोला बारूद भी समाप्त हो गया था और यदि सिख सेना को विश्वासघाती नेताओं ने मतलब सिख सेना को इसी समय युद्ध का आदेश दिया गया होता तो अंग्रेजों की पराजय निश्चित थी। परंतु विश्वासघाती नेताओं ने उन्हें इतना समय दे दिया कि वे लोग गोला बारूद एकत्र करके अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। तो कह सकते हैं कि भाई जो सिख सरदार हैं कई ऐसे थे जो मतलब विश्वासघाती थे और उन लोगों ने अंग्रेजों को युद्ध तैयारी के लिए फिर से टाइम में दे दिया था, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों पक्षों के बीच 1846 ईस्वी में मतलब युद्ध होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें अंग्रेजों की पराजय होती है। लेकिन तेज सिंह ने अवसर का लाभ नहीं उठाया और सिख सेना को पीछे हटा लिया, ठीक है। 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सोबराय नामक स्थान पर अंतिम युद्ध लड़ा गया जिसमें सिख सेना की पराजय हुई, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई वैसे देखें तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है वह उसी में ये छोटी छोटी 3-4 लड़ाइयाँ हुई थी और अंतिम जो लड़ाई होती है उसमें सिख है वो पूरी तरह से पराजित
होते हैं। और सिखों का पराजय होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिख सरदारों का विश्वासघात। ठीक है, अब क्या होता है कि अंग्रेजी सेना है वह भी मतलब अब विजित हो गई थी लास्ट में, और 13 फरवरी को अंग्रेजी सेना ने सतलज को पार किया और 20 फरवरी को लाहौर पर उनका कब्जा हो गया। सिखों को विवश होकर संधि करनी पड़ी थी और वो होती है आपकी लाहौर की संधि। ठीक है, तो जो हार्डिंग है इसके काल में प्रथम आंग्ले सिख युद्ध होता है और ये 1845-46 तक चला था। इसके बीच में 3-4 छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है लास्ट में, और इस युद्ध में सिखों की पराजय लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह के विश्वासघात के कारण हुई। ठीक है, और मजबूरवश सिखों को अंग्रेजों से लाहौर की संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, तो जो आपकी लाहौर की संधि है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये 1846 अर्थात 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के बीच में लाहौर में हुई थी। और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा दलीप सिंह को गवर्नर जनरल के शिविर में लाया गया। और इस संधि की मुख्य शर्तें देख लीजिएगा। पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया और वे प्रदेश कंपनी को सुपुर्द कर दिए। अर्थात एक तरह से देखिए तो सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेश हैं उन पर भी कंपनी का अधिकार हो गया था। सतलज और व्यास नदी के बीच का जलंधर, दोआब और इसमें स्थित सभी किलों पर से महाराजा दलीप सिंह ने अपना अधिकार हटा लिया और इस पर कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पंजाब राज्य पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया युद्ध का हर्जाना थोप दिया गया और पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपये चुकाने का आश्वासन भी दिया और 1 करोड़ के बदले में हजारा और कश्मीर के प्रदेश कंपनी को सौंप दिए थे। ठीक है, सिख सेना की संख्या निश्चित कर दी गई। अब पंजाब राज्य के लिए 12,000 घुड़सवार और 20,000 पदाती सैनिक से अधिक सेना रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। युद्ध के दौरान सिखों ने कंपनी की जो तोपें छीन ली थी उन्हें वापस लौटा दिया गया। पंजाब के तोपखाने को भी सीमित कर दिया गया। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, रानी जिंदल को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार किया गया। ठीक है, पंजाब राज्य ने कंपनी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपियन अथवा अमेरिकन को अपनी सेना या अर्थात अपनी सेवा में न रखने का वचन दिया। कंपनी की सेना को स्वतंत्रता पूर्वक पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की स्वीकृति दी गई। ठीक है, पंजाब दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त करने की बात भी मतलब मान ली गई। और मतलब जो था जो अंग्रेज रेजिडेंट रखना था उस पर सर हेनरी लॉरेंस को रखा गया और कंपनी ने पंजाब के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इस युद्ध में सिख पराजित हुए, अंग्रेज जीते और मजबूरवश लाहौर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, तो देखिएगा ये तो हमने आपको ऐसे एक्स्ट्रा में पढ़ा दिया है, अदरवाइज लाहौर की संधि के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे, आंग्ल सिख के युद्ध में आंग्ल सिख युद्ध के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। तो देखिएगा मैं ये हार्डिंग के काल में हुआ था इसलिए मैंने आपको मोटा मोटी यहाँ पे बताया है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, लाहौर की संधि कौन से गवर्नर जनरल के साथ हुई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हमने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।